गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विवियन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ रहे थे। कोल और पेट्रोलियम जिसको अपन फॉसिल फ्यूल और फॉसिल फ्यूल को अपन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्यों हैं, जैसे कि अपने जो फॉसिल फ्यूल है कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस, इनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो फॉर्म्ड होते हैं वो किससे होते हैं, डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स से, और जो ये ऑर्गेनिज्म है ये अपने नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में है, इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में रखा हुआ है या फिर अपन कह सकते हैं ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। इस चैप्टर में कुछ वर्ड आए थे, जैसे कि कार्बनाइजेशन आया था, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आया था, उन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, वो अपन आज क्लास में करते हैं। जैसे कि व्हाट इज कार्बनाइजेशन, कार्बनाइजेशन का पता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कोल के अंदर चेंज होना, और ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। तो कार्बनाइजेशन क्या है, द कार्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक डेड वेजिटेशन इनटू कोल ग्रेजुअली, है ना, कोल के अंदर चेंज होना, जो डेड प्लांट्स है डेड एनिमल्स है इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कार्बनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बारे में मैंने बताया था कि जब कोल को अपन गर्म करते हैं तो कोल के अंदर जो मिनरल कोल है उस के अंदर अपने को कुछ कंपोनेंट मिलते हैं, है ना, जैसे कि कोक मिलता है, कोल गैस मिलती है, कोल टार मिलते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल स्ट्रॉन्गली टू 1000 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू गेट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स, है ना, जब इसको गर्म करते हैं तो अपने को इसके कंपोनेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस पे, किसकी एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में, तो अपने को इसके कंपोनेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि मिलता है कोक मिलता है, कोल गैस मिलता है एंड कोल टार मिलता है, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल स्ट्रॉन्गली टू 1000 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू गेट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट लाइक कोक कोल गैस एंड कोल टार इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक है, फिर आता है व्हाई कोल इज कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल, कोल को फॉसिल फ्यूल क्यों कहा गया है, तो ये पता है कोल इज मेड अप ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। कि कोल किससे फॉर्म होता है, डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स जब अर्थ के अंदर बरीड हो जाते हैं तो अर्थ के टेम्परेचर प्रेशर और वहां पे जो केमिकल रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंट में होती है, एनारोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंट में, तो वो किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, कोल के अंदर चेंज हो जाते हैं, है ना। कोल इज मेड अप ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स प्लांट्स विच ऑल्सो फॉर्म्ड फॉसिल फ्यूल, फॉसिल, दैट वाई कोल इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो ये किससे बनते हैं, एनिमल्स से बनते हैं, प्लांट्स से बनते हैं, इसी की वजह से इसको किस में रखा गया है, फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, नेम थ्री वेराइटी ऑफ कोल, कोल की जो वेराइटी है कितने टाइप के होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। कोल की जो वैरायटी, एक है लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट और बिटुमिनियस, ये तीन वैरायटी है, तीनों वैरायटी के बारे में आपको ध्यान में रखना है, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनियस, ये तीनों कोल के टाइप है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसे कहते हैं, कार्बनाइजेशन किसे कहते हैं।